हैदराबाद के खिलाड़ियों को देखिए जोन के अंदर कितना बढ़िया वो स्प्लिट हमें देखने को मिल रहा है, एंगल्स उनके पास बहुत अच्छे हैं, साथ ही साथ एक वो जो रिज का कवर है वो भी हमें देखने को मिल जाएगा। मीनवाइल टीम रेकनिंग की अगर हम बात करें, स्मोक करके वो आगे जा रहे, मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पर अभी के लिए टीम एक्सो वर्सेस टीम रेकनिंग होने वाला है और जो फाइनल फाइट है वो कहीं ना कहीं टीम हैदराबाद हाइड्रास के साथ हो सकती है। बट स्ट्राइकर उन्होंने स्पॉट किया, अबरार को डाउन किया और अब कुछ थ्रोएबल्स के साथ भी उनका स्वागत करने की कोशिश। बहुत जल्दी मुझे लगता है रेकनिंग की स्क्वाड खत्म भी हो जाने वाले क्योंकि उन्होंने खुद को रेस्ट्रिक्ट कर लिया। आप देखें एक बढ़िया ग्रेनेड आएगा, पूरी रेकनिंग की स्क्वाड खत्म हो जाएगी। स्क्विल्स अपने आप को हील कर रहे हैं। मैक्सी गलत टाइम पे उन्होंने मूव करा, थोड़ा सा और गए होते तो शायद मौली में ही वो खत्म हो जाते, बट फिलहाल के लिए अबरार वो जरूर एलिमिनेट हो जाएंगे। मैक्सी की बात करें क्या उनके पास हीलिंग से, यानी देखना पड़ेगा। चलिए एक फर्स्ट एड था उन्होंने इस्तेमाल करा। स्क्रिल्स एंड मैक्सी दो प्लेयर बचेंगे यहाँ पे। 3v3v2 का अब जो सिचुएशन है वो यहाँ पे चलता हुआ हैदराबाद पर। थोड़ा सा और जांच करने की कोशिश करेंगे, फिनिशर्स निकालने की कोशिश है पंक, वो भी चाहते हैं फिनिशर्स निकालना। तब्दीलियां किसे पसंद नहीं, स्मोक करेंगे, थोड़ा आगे जाने की कोशिश, कामयाबी हासिल करेंगे। लेवल 3 का हेलमेट बेस उनको मिल सकता है, वापस से आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं। आप देखें उन्होंने स्किल्स को स्पॉट करा है, डैमेज देने की कोशिश, एक को नॉक किया बट मैक्सी वो पीछे मौजूद थे और इसी के साथ डाउन किया गया। शायद वहां पे सेंसे फिनिश हो चुके हैं, नहीं वो देखना पड़ेगा। यस बिल्कुल, और इसी के साथ रेकनिंग की जो स्क्वाड थी वो एलिमिनेट हुई बट सेंसे वो अभी भी सर्वाइव कर रहे हैं। बट नेक्स्ट सर्कल आप देखें हैदराबाद हाइड्रास के पास वापस से जाता हुआ। एग्जैक्टली यहां पर ये बिल्कुल सही मौका है टीम हैदराबाद हाइड्रास का कि वो यहां पर पुश करने के लिए आए क्योंकि आप देखिए कि वो फिनिश भी जरूर से रीड करी होगी, उनको पता था कि एक प्लेयर डाउन है। चलिए अब थोड़ी लेट जरूर से हो चुका है क्योंकि रिवाइवल वहां पर एग्जीक्यूट हो चुका है। 3v3 का ये सिनेरियो हमें देखने को मिलेगा, मात्र 4 सेकंड्स का टाइम इज बिटवीन टीम हैदराबाद हाइड्रास एंड टीम एक्सो, जहां पोजीशन वाइज टीम हैदराबाद हाइड्रास थोड़ी ज्यादा स्ट्रांग जरूर से नजर आ रही है। टीम एक्सो वो स्पोक जरूर से करना चाहेंगे, एक पाथ क्रिएट कर रहे हैं विजन इंपेयरमेंट का, उसके बाद जोन के अंदर जो एंट्री है वो लेके जाएंगे। बट अभी भी हैदराबाद हाइड्रास उनकी पोजीशन बहुत ज्यादा स्ट्रांग हमें देखने को मिली। लेट्स सी कि क्या हैदराबाद हाइड्रास जो है बैक टू बैक चिकन डिनर इन मीरामार लेकर के जा पाएंगे या नहीं। वहीं टीम एक्सो की बात करें, ये चिकन डिनर उनके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है क्योंकि हमने पहले देखा था अमेजी की जब पहले पायदान की बात आती तो टीम एक्सो का नाम भी प्रबल दावेदारी में रहता था, बट अभी के लिए टीम एक्सो के प्लेयर थोड़ा ओपन में आएंगे। स्मोक का कवर जरूर से रहने वाला है, प्रेडिक्ट स्टेज जाएंगे। सेंस है बहुत ही ज्यादा लोअर एचपी का रही जो है वो भी यहां पर प्रेस देते हुए नजर आ रहे हैं और आप देखिए किसी को कुछ नहीं मालूम कि खिलाड़ी कहां है, बट यहां पर प्रेडिक्ट स्टेज हर तरफ दिए। आप सेंस को देखिए उन्होंने अपने आप को हील भी कर लिया, बट इसी के साथ सेंस डाउन हो जाएगा। इमोर्टल एचपी बहुत ज्यादा कम, वहां पे स्मोक खत्म होता है। पंक की बात करें, चले एक प्लेयर को रिवाइव, वहां पे नॉक जरूर किया गया, पंक अकेले बचे थे, जोन का भी डैमेज पड़ता हुआ कुछ खा